में हम आपको गाने खुद से निकलने के तीन महत्वपूर्ण एक टिप्स देंगे और चार तरीके बताएंगे। और ये वीडियो बनाने की वजह ये है कि हमने आज तक जितने भी वीडियो बनाए हैं उस सभी वीडियो में हम जो कमेंट पढ़ते हैं उसमें बहुत सारे कमेंट इस तरह के होते हैं, दो टाइप के कमेंट होते हैं वहाँ पे। तो एक टाइप में ये जो गाने निकलने का प्रॉब्लम जो है उसके लिए ये हम डिवाइड कर देंगे। एक जो रहते हैं कि वो बोलते बहुत, हमने सर जो आप बताते हैं कि अलंकार करना है, थाट करना है, राग करना है, जो कुछ सीखने का लीगल प्रोसेस होता है या सही तरीका होता है उस तरीके से हमने सब अभ्यास कर लिया, 1-2 साल कर लिया, 3 साल कर लिया, फिर भी गाने नहीं निकल रहे। तो इनका ये प्रॉब्लम है कि वही रियाज करके भी गाने नहीं निकल रहे। ठीक है, अब बहुत सारे हमारे भाई बंधु ऐसे भी है जो बोलते कि भाई हमको तो ये अलंकार सीखो, राग सीखो, थाट सीखो, मेजर स्केल सीखो, माइनर स्केल, कॉर्ड वगैरह, ये सब इतना हमको नहीं सीखना है। हमको कुछ कुछ संगीत का पंडित वगैरह नहीं बनना है और ना ही हमको कुछ AR रहमान जैसे बस बड़े संगीतकार बनना है, बस हमको गाने निकालने आने चाहिए, इतना ही सीखना है। तो वो हम किस तरह से सीख सकते? तो ठीक है, तो ये दोनों टाइप के जो हमारे दर्शक हैं इन लोगों के लिए आज का ये वीडियो है कि आप कम से कम रियाज में और किस तरह से आप गाने निकाल सकते हो उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी देने की कोशिश करेंगे। अब इस वीडियो में हम आपको प्रैक्टिकली दिखाएंगे कि गाने किस तरह निकालते हैं। उससे पहले हम गाने निकालने के कुछ टिप्स देखेंगे। पहली टिप्स ये है कि आपको संगीत में रुचि होनी चाहिए। ठीक है, आपको अगर संगीत में जितनी ज़्यादा रुचि है उतना जल्दी आप गाना निकालना सीख सकते हो और जितनी कम रुचि है उतना आपको टाइम लगेगा। जैसे कि बहुत से म्यूजिक क्लासेस में बच्चों को छोड़ा जाता है संगीत सीखने के लिए, लेकिन उन बच्चों का लगाव कहीं और होता है। मतलब किसी को डांस पसंद है, किसी को ये अपना क्रिकेट पसंद है या फुटबॉल पसंद है, अब उनके माँ बाप वो सब छोड़ के बच्चों की पसंद ना देके उनको संगीत क्लास में ज्वाइन कर देते। तो होता क्या है कि वो बच्चों को कितना भी आप सिखाओ उनका लगाव जिस ओर है वो वहीं पे उनका ध्यान जाएगा और वो गाना निकालना भी कम सीखेंगे और बहुत देर से सीखेंगे या सीख भी नहीं पाएंगे, इस तरह हो सकता है। तो संगीत में आपकी रुचि होनी चाहिए। ठीक है, अब जिस बच्चे को संगीत में लगाव होता है तो उसे कोई माध्यम ना मिलेगा तो भी वो सीख जाता है। ठीक है, तो ये कहने का मतलब है कि आपको संगीत में रुचि होनी चाहिए। दूसरी बात, नोटेशन देखकर सीखेंगे, ये बात आप दिमाग से आपको निकल देनी है। क्या होता है, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि यार वो सब ये अलंकार सारे गम सारे गम वो सब हमको बोरिंग काम लग रहा है, तो हम क्या करेंगे, वो अपने दिमाग से सोचते हैं कि हाँ इस तरह मैं सीख जाऊंगा कि गाने का नोटेशन देख देख के 10 गाने सीखूंगा, 15 गाने सीखूंगा। तो वो नोटेशन देख देख के, नोटेशन देखना यानी किसी की उंगली पकड़ के चलने के बराबर है। ठीक है, अब जब तक आप आपके खुद के बैलेंस पे नहीं चलोगे तो आप नहीं चल पाओगे, उंगली पकड़ के चलने की आदत पड़ेगी। तो आपको नोट कोई लाके देगा गाने के तभी आप बजा पाओगे, आप खुद से गाना निकाल ही नहीं पाओगे। तो नोटेशन देख के सीखना, आप एक शुरुआती जब सीखते हो शुरुआत में तो 2-4 गानों के नोटेशन देख के सीखना ठीक है, लेकिन हर गाना नोटेशन देख के सीखना गलत बात है। और तीसरा जो है, ये संगीत के सुरों का बेसिक मालूम होना चाहिए। अब इसमें क्या होता है, जैसे हम अंग्रेजी सीखते तो अंग्रेजी बोलने के लिए पहले हमको ABCD आना जरूरी है। ठीक है ना, थोड़ी सी ABCD हम सीखेंगे तो थोड़ा इंग्लिश बोलेंगे, ज्यादातर इंग्लिश का अभ्यास अच्छी तरह से करेंगे तो अच्छा इंग्लिश बोल पाएंगे। उसी तरह यहाँ भी सरगम का अभ्यास आप जितना करोगे उतना अच्छा बजा पाओगे, जितना कम करोगे उतना कम इसमें आप समझ सकोगे। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। तो बेसिक का मतलब क्या होता है कि ये जो सारे गम पद निसा, ठीक है, अब ये बहुत सारे यहाँ काली एक से भी सिखाते हैं। अब यहाँ पे आप कीबोर्ड का क्लास लगाओगे तो ठीक है, अब ये जो होता है ये सारे गम पद निसा, अब इतना ही मालूम हो के नहीं चलेगा आपको कि भाई ये तो एक स्केल हुआ, ये दूसरा स्केल हुआ, ये सब स्केल का फॉर्मेट क्या होता है,
ठीक है ना, उसमें फिर आपको थोड़ा सा अलंकारों का प्रैक्टिस होना चाहिए। ये ऐसे बहुत 40 अलंकार होने चाहिए। लोग क्या बोलते हैं कि हमने 5 अलंकार किए, 6 अलंकार किए, हमको क्यों नहीं आ रहा? 5-6 अलंकारों से कुछ नहीं होता, आपका हाथों का प्रैक्टिस भी सही से नहीं होगा या फिंगर एक्सरसाइज भी नहीं होगा। आपको कम से कम 30-40 अलंकार कर लेने चाहिए, तो आपको आगे जाने वाले स्वर, मतलब ये स्वर है तो इसके और इसके पीछे का, तो आगे पीछे के स्वरों का अंदाजा आने लगता है। ठीक है, तो इतना तो आपको मालूम होना चाहिए। तो अभी मैं फिलहाल ये समझता हूँ कि आपको आपको एक स्केल मालूम है, कौन सा भी, सभी के सभी स्केल आप नहीं सीखे कोई बात नहीं, किसी एक स्केल पे तो आपका हाथ साफ होना चाहिए और उस पे कुछ थोड़े बहुत अलंकार होने चाहिए। इतना अभ्यास आप हो गया तो आपको गाना किस तरह निकलना है ये अभी हम बताएंगे। अब मैं भी कोई पूरा का पूरा संगीत सीखने के बाद गाने बजाने लगा, ऐसी बात नहीं है। मैं भी शुरुआती दौर में थोड़ा थोड़ा सीखते सीखते ही गाना बजाने की कोशिश करता था। तो किस तरह से मैंने वो डेवलप किया गाने बजाने सीखना, वो उसी हिसाब से मैं आपको अभी बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो अपने गले का जो सा होता है ना, वो सा लगाकर बजाने की कोशिश करना। ये 4 तरीके आपको बताऊंगा, ये 4 तरीके में से आप सभी तरीके ट्राई करोगे तो भी चलेगा, और किसी एक तरीके से आप अच्छी तरह से इम्प्रूव करते हो तो भी ठीक है, उसी तरीके से आप कर सकते हो। तो पहला तरीका है अपने गले का सा लगाकर गाना बजाने की कोशिश। अभी गले का सा बोले तो क्या, कि आप गाइए, आप सा आ, 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 कोई भी सा लगाइए। अब ये जिनको स्वरों के बारे में पूरी डिटेल जानकारी नहीं होती, वो क्या करते हैं, अभी सा ऐसा लगा दिया तो थोड़ी देर बाद सा ऐसा लगा देते हैं, तो एक ही सा नहीं रहता हर आदमी का। ठीक है, तो वो कभी ये देखिए फिर एक बार ये सा लगाएंगे, सा, फिर ये भी लगा सकते हैं सा। तो आप कोई भी गाना आपको यहाँ पे बजाना है तो पहला आपका गले का सा लगाइए, और वो सा पे आप देखिए चेक कीजिए कहाँ पे ये। तो मान लो आपको सपने में मिलती है गाना, आपको यहाँ पे सीखना है, तो आप पहले उसको गाओगे। ठीक है, तो गाओगे तो किस तरह गाओगे, ला, जो गाने से पहले हम करते ना वो होता है उसका सा। ठीक है, तो अब ये आ जो है वो आपको ढूंढना है। ठीक है, आ तो हम यहां से ढूंढेंगे, देखिए आ गया काली जर्दी। अब यहां से हमको वो जो लाइन थी नहीं हो रहा है, ये लग रहा है, ये नहीं लग रहा है, उसी के बाजू में बाकी के नोट मिलेंगे, या तो ये साइड मिलेंगे या ये साइड मिलेंगे, एक इधर का एक उधर का एक इधर का, ऐसा होगा नहीं। ठीक है, वही स्केल में होगा वो। अब आगे की लाइन लेंगे तो ला 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 ला, ये हो गया। फिर उसके बाद तो ये आपको आगे आगे ढूंढते जाना है, तो आप इसको आगे ढूंढोगे। इस तरह आपको धीरे धीरे वो मिलता जाएगा। मान लो आपको इस तरीके से भी थोड़ा मुश्किल लग रहा है, तो आप दूसरा तरीका आजमा सकते हो कि आपको जो सब गाने हैं एक स्केल में आपको बजाने की कोशिश करनी है। अब सब गाने एक ही स्केल में, एक तो आपको, हाँ आप बोलोगे कि हमको स्केल ही मालूम नहीं, तो सब गाने एक ही स्केल में कैसे बिठाएंगे?
एक ही स्केल में, मतलब जिस स्केल पे आपकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस हुई, चाहे वो काली एक पे आपने की हो या सफेद एक पे की हो या काली चार पे की हो। अब यहाँ पे मैं काली चार पे हम बता रहे हैं आपको, ठीक है। ये काली चार का स्केल हुआ, मान लो आपने यहाँ पे अलंकारों का अभ्यास किया है, तो इसी स्केल में आपको सब गाने लाकर रख देने। जैसे मान लो आपने एक गाना आपने यहाँ पे किया होगा, जैसे तो आपको लाना कहाँ पे, वो यहाँ पे लाना है, ठीक है। तो ये आपका सा, इसको ध्यान जो स्केल करोगे उसके सा को आपको ध्यान में रखना है। आपने नोटेशन देख के ये गाना किसी दूसरे स्केल में सीखा था, यहाँ पे सीखा था, मान लो आपने यहाँ पे भी सीखा होगा, तो भी आपको उठा के उसको यहाँ पे लाके रख देना है। इस तरह आपने जितने भी नोटेशन देख के गाने किए उन सबको एक ही स्केल में आपको लाके रखना है। और इस तरह से आप एक एक गाना एक स्केल में लाके रखोगे, वहां पे आप 10 गाने एक ही स्केल में बनाओगे, तो बाकी के गाने अपने आप आपको वहां पे आसान हो जाएगा मिलने के लिए। अब तीसरे तरीका आप ये कर सकते हो कि ओरिजिनल गाने के साथ आपको बजाना है, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे हमारे जमाने में हम क्या करते थे कि कैसेट जो होती थी वो कैसेट टेप रिकॉर्ड लगाते थे, और उसके साथ जो ओरिजिनल गाने का तो स्केल अलग अलग हो सकता है ना, तो हमने आपको अभी क्या बताया कि आपको एक ही स्केल पे बजाना है। अब ओरिजिनल गाने में किसी भी स्केल में हो सकता है, तो किसी भी स्केल में होगा तो आपको तो सब स्केल का अभ्यास नहीं है, तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है वहां पे। अब जैसे हमारे जमाने में टेप रिकॉर्डर था, तो हम टेप रिकॉर्डर लगा के उसके साथ बजाने की कोशिश करते थे गाना। अब आपके जमाने में तो ये मोबाइल जैसा आधुनिक माध्यम है जिससे आप गाना स्लो कर सकते हो, फास्ट कर सकते हो, बहुत ही आसान हो गया अब आपको। तो इस तरह से देखेंगे अभी किस तरह आप प्रैक्टिस करोगे, देखिए। तो इस यहाँ भी गाना शुरू होगा तो आपको स्केल पकड़ना है, देखिए इसका साये, ठीक है। तो इस तरह से आप गाने लगाकर उसका एक एक स्वर को ध्यान से, पहले वो गाना आप अच्छी तरह से सुन लो, जो गाना आप रिकॉर्ड के साथ बजा रहे हो या मोबाइल के गाने के साथ आप बजा रहे हो, तो उस गाने को अच्छी तरह से सुनो, वो कौन से ये बटन पे रुक रहा है, आपको पहला उसका स्केल सीखना होगा, ये उसका स्केल हुआ, सा रे ग म प ध नि सा सा नि ध म ग रे सा ला ला इस तरह से आप गाने के साथ आप बजा के आप थोड़ा थोड़ा अपना गाने निकालने का रियाज अच्छी तरह से कर सकते हो। और अब चौथा और आखिरी तरीका देखेंगे, और उसमें आपको क्या करना है कि आप जितने भी गाने आप सीखने की कोशिश करोगे, तो
तो आपको पसंद है करके आप उसको बजाने की कोशिश मत करो, क्योंकि जो आपको गाना पसंद हो सकता है वो किसी राग पर आधारित होगा तो आपको उसको बनाने में दिक्कत आएगी, क्योंकि राग पर आधारित गाने थोड़े बजाना मुश्किल होता है, उसके लिए थोड़ा सा आपका अभ्यास और ज्यादा होना जरूरी होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हीना फिल्म के गाने हो या राम तेरी गंगा मैली के गाने हो, ये दो रागों को, इसमें से बहुत से गाने दो रागों को मिला कर या बहुत ही मुश्किल हो जाता है आपको वहाँ पे नोट्स निकालने के लिए। जैसे आर डी बर्मन के भी बहुत से गाने होते हैं जो मुश्किल होते हैं बिठाने के लिए, तो आप आसान गाने चुनिए। अब आसान गाने आप मतलब क्या होता है, आप कैसे समझोगे कि आसान गाने क्या होते हैं? तो आसान गाने मतलब शॉर्टकट में आप मान लो आइटम सॉन्ग जो होते हैं वो बहुत ही आसान होते हैं, कोई भी आइटम सॉन्ग निकालो उसको आप सीखने की कोशिश करो, जल्दी मिल जाएगा। ठीक है, तो जैसे मान लो, और दूसरी बात ये है कि आप जितने भी आपने अभी तक गाने बनाए, चाहे वो दो गाने हो, तीन गाने हो, चार गाने हो, आपने नोटेशन देख के सीखे हो या आपको किसी ने सिखाए हो या आपने खुद बनाए हो, उन गानों को क्या करो, आप एक नोट आगे बजाओ। जैसे मान लो आपने, मान लो यहाँ पे आपने एक गाना बजाया होगा, अब एग्जाम्पल के लिए बता दो, यहाँ पे आपने ये गाना आपने बनाया है, ठीक है, अब ये शुरू कहाँ से हुआ, यहाँ से, मतलब ये एक दो तीन चार, ये चार बटन यहाँ पे इस्तेमाल हुए। अब आपको यहाँ पे इसको क्या करना है, एक नोट आगे बजाना है, मतलब ये जो यहाँ से शुरुआत की थी तो यहाँ से शुरुआत ना करके यहाँ से शुरुआत करनी है, तो जाहिर है इसके आगे के नोट भी आगे आगे जाएंगे। जैसे तो हमने ये दूसरा था, ठीक है, तो ये भी आगे जाएगा, यहाँ पे आएगा, और फिर ये था तीसरा, तो ये भी आगे जाके यहाँ पे आएगा, तो ये ऐसे होगा, और फिर ये जो ये चौथा था तो ये भी आगे जाएगा। तो पहले ऐसे था, अब बनेगा इन चार बटनों पे बजेगा, तो इसको पहले ऐसा बजता था, अब इसको इसको इस तरह से बजेगा, फिर ये होता है कि आप समझो किसी नोट, कोई नोट मिल नहीं गया तो आप उसको पहला कहाँ बज रहा था उसका आगे का नोट लेके उसको पकड़ सकते हो, तो आसान हो जाएगा। तो दोस्तों जो कुछ हमारे पास जानकारी थी आपको हमने बताने की कोशिश की, जिससे कि आपकी गाने निकालने में तरक्की हो और आप इसी तरह से गाने निकाल सकोगे तो हमको भी आनंद होगा, और उससे क्या होगा कि आपको एक बार आप अच्छी तरह से गाने निकालने लगोगे, शुरुआत में आपके एक दो नोट गलत बजेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आपको अगर अच्छी तरह से आने लगेगा तो उसके बाद आपका इंटरेस्ट म्यूजिक में और बढ़ता जाएगा, फिर आपको आगे राग सीखने की इच्छा होगी, फिर आपको उसका और ज्ञान लेने की, आपको वो लगेगा कि नहीं मुझे कॉर्ड्स भी सीखना है, ये भी सीखना है, तो आगे आपकी मर्जी आप आगे कितना सीखते हो। लेकिन फिलहाल तो ये हमने गाने निकलने के बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको बताई, आपको पसंद आई होगी तो लाइक जरूर कीजिए, और आपको और हमसे कुछ जानकारी चाहिए तो कमेंट में जरूर लिखिए, आपके लिए वीडियो बनाते जाएंगे। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।